तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे T20 मैच के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका टीम की सटीक प्लेइंग 11 जो कि तीसरे T20 मुकाबले में खेलती हुई दिखेंगी। और उसके साथ ही बात करेंगे इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये मुकाबला कब और कहाँ खेला जाएगा। और उसके साथ ही बात करेंगे इस मुकाबले के टाइमिंग के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिए। अगर आप इस शिखर धवन के फैन हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टीम इंडिया जुड़ी हर खबर मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला 22 सितंबर 2019 को खेला जाएगा, जो कि बेंगलुरु के स्टेडियम में होगा। दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा शाम को 7 बजे से। और वहीं बात की इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट के बारे में, तो इंडिया में ये मुकाबला देखने को मिलेगा स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर। और वहीं बात की मोबाइल ऐप की, तो आपको सभी मुकाबले देखने को मिलेंगे हॉटस्टार के ऐप पर। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं दोनों टीमों की सटीक प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि तीसरे T20 मुकाबले में खेलते हुए दिखेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका टीम की सटीक प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों ओपनिंग पेयर में आएंगे सांद्र विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक, दूसरे नंबर पर आएंगे सांद्र बल्लेबाज रिजा हेंड्रिक्स, तीसरे नंबर पर आएंगे टेम्बा बुम्बा, चौथे नंबर पर आएंगे सांद्र बल्लेबाज वेंटू ड्रसन, पाँचवें नंबर पर आएंगे विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर, छठे नंबर पर आएंगे डेविड पिटोजियस, सातवें नंबर पर आएंगे एंड्रिल पिक्लोवे, आठवें नंबर पर आएंगे डी जॉरन फोर्टून, नौवें नंबर पर आएंगे कगिसो रबाडा, दसवें नंबर पर आएंगे एंड्री नॉर्जे, जबकि ग्यारहवें नंबर पर आएंगे तबरेज शम्सी। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका टीम की सटीक प्लेइंग 11 होने वाले, जो कि भारत के विरुद्ध तीसरे T20 मुकाबले में खेलती हुई दिखेगी। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं टीम इंडिया की सटीक प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि तीसरे T20 मुकाबले में खेलती हुई दिखेगी। तो दोस्तों पहले नंबर पर आएंगे टीम इंडिया के वाइस कैप्टन और शानदार बल्लेबाज रोहित शर्मा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा सेकंड T20 मुकाबले में नहीं चल सके, इसलिए वो भी चाहेंगे तीसरे T20 मुकाबले में शानदार खेल दिखाएं। वहीं दूसरे नंबर पर आएंगे टीम इंडिया के शानदार बल्लेबाज शिखर धवन, तीसरे नंबर पर आएंगे भारतीय टीम के कप्तान और शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली, चौथे नंबर पर आएंगे टीम इंडिया के शानदार मिडिल ऑर्डर बैट्समैन श्रेयस अय्यर, पाँचवें नंबर पर आएंगे टीम इंडिया के शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, छठे नंबर पर उतरेंगे टीम इंडिया में वापसी करने वाले शानदार बैटिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, सातवें नंबर पर आएंगे टीम इंडिया के शानदार बॉलिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, आठवें नंबर पर आएंगे टीम इंडिया के शानदार स्पिनर ऑलराउंडर कुणाल पांड्या, नौवें नंबर पर आएंगे टीम इंडिया के शानदार फास्ट बॉलर खलील अहमद, दसवें नंबर पर आएंगे टीम इंडिया के शानदार यंग फास्ट बॉलर दीपक चहर, जबकि ग्यारहवें नंबर पर आएंगे टीम इंडिया के शानदार फास्ट बॉलर नवदीप सैनी। तो दोस्तों मेरे मुताबिक टीम इंडिया की प्लेइंग 11 होने वाली, जो कि तीसरे T20 मुकाबले में खेलते हुए दिखेगी। तो दोस्तों मेरे मुताबिक दोनों टीमों की प्लेइंग 11 होने वाली, जो कि तीसरे T20 मुकाबले में आपस में खेलते हुए दिखेंगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।